अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खरीदारी। मेरा नाम तैयब है और ये है Z Flip 3 की फर्स्ट लुक और हमारे फर्स्ट इंप्रेशंस। दोस्तों Z Flip 3 की काफ़ी सारी पेड और प्रमोशनल वीडियोस तो आप लोगों ने YouTube पे ऑलरेडी देख ली होंगी, लेकिन क्यों ना आज इसके असली सच की भी वीडियो देख ली जाए। अब दोस्तों यहाँ पे इस डिवाइस की अच्छी चीज़ें भी आज आपको बताऊँगा, साथ ही साथ बुरी चीज़ें भी बताऊँगा जो अब से पहले आपको किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बताई होंगी। सबसे पहले इसकी प्राइस की बात करें तो कंपनी ने इसकी रिटेल प्राइस 1,95,000 रखी है। प्री बुकिंग पर आपको 24,000 का डिस्काउंट वाउचर देखने को मिल रहा है, जिसके बाद इसकी कॉस्ट तकरीबन 1,71,000 के आसपास देखने को मिल जाएगी। तो प्राइस के बारे में यही बोलूंगा कि इस दफ़ा अच्छी प्राइस निकाली है। प्रीवियस मॉडल में इसकी प्राइस हाई रखी गई थी, लेकिन इस दफ़ा प्राइस को कुछ कंट्रोल किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे इसके हाईलाइटिंग फीचर्स की बात करूँ तो 8GB रैम के साथ 128GB बिल्ट-इन स्टोरेज देखने को मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 888 का चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि इस वक्त तक सबसे ऊपर का चिपसेट है। 5 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। 5G की सपोर्ट देखने को मिलती है। एक प्रीमियम डिज़ाइन देखने को मिलता है। साथ ही साथ दोस्तों अगर हम इसके कलर्स की बात कर लें तो यहाँ पर 4 कलर्स में ये फ़ोन आया है, ग्रीन कलर, ब्लैक कलर, क्रीम कलर और पर्पल कलर। तो आज करेंगे हम इसका क्विक रिव्यू और देखेंगे कि 1,71,000 रुपये की प्राइस रेंज में हमें सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 3 को कंसीडर करना चाहिए या नहीं। तो इससे पहले कि हम इसकी वीडियो की तरफ चलें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। दोस्तों इंस्टाग्राम पर हमें ज़रूर फॉलो कर लें, क्योंकि इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करना इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि सुबह उठ के ब्रश करना है। तो अब आप लोगों को ज़्यादा बोर नहीं करता और हम चलते हैं हम चलते हैं Z Flip 3 के फर्स्ट लुक और फर्स्ट इंप्रेशंस की तरफ। ओके जी, तो आज हमारे पास Samsung Galaxy Z Flip 3। अब दोस्तों सबसे पहले अगर हम इसके डिज़ाइन की बात करें तो लिटरली इस दफ़ा मुझे इसका डिज़ाइन और इसका कलर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। अब दोस्तों बैक साइड पे आपको इसका LED स्क्रीन देखने को मिलती है, साथ ही साथ डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, फ्लैश लाइट देखने को मिलती है। अब बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बैक साइड इसकी ग्लास मेड है और यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन मौजूद है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम इसके फ्रेम की बात करें तो फ्रेम इसका एल्यूमिनियम का है और सैमसंग का कहना है कि इस दफ़ा इसमें आर्मर एल्यूमिनियम लगाया गया। जी हाँ दोस्तों, एक नई टाइप का एल्युमिनियम है। दोस्तों यहाँ पे इसका सिम ट्रे है। टॉप साइड पर जाएं तो यहाँ पे इसका नॉइस कैंसिलेशन माइक है। राइट साइड पे जाएं तो यहाँ पे इसके वॉल्यूम रॉकर्स हैं, साथ ही साथ पावर बटन है जिसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलेगा। नीचे वाले साइड पे जाएं तो यहाँ पे इसके स्पीकर ग्रिल्स हैं, USB-C टाइप चार्जिंग पोर्ट है और माइक्स हैं। तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है। अब यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस है, लेकिन मुझे यहाँ पे एक चीज़ देखने को नज़र आई जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ। दोस्तों मैं आप लोगों को ज़रा साफ़ करके दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे विक्टस होने के बावजूद भी इसके ग्लास पे स्क्रैच पड़ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी नई डिवाइस है लेकिन फिर भी स्क्रैचेस आ चुके हैं। ये चीज़ दोस्तों मुझे समझ नहीं आई। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात कर लें इसके वेट की तो सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 3 का वेट क्या होने वाला है ये हम चेकआउट कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर इसका वेट 185 ग्राम्स है। जी हाँ दोस्तों, 185 ग्राम्स है और काफ़ी लाइट वेट सा फ़ोन है, उठाने में काफ़ी कंफर्टेबल है और काफ़ी यूनिक लुक आ रही है। तो अब कर लेते हैं हम फ़ोन को ऑन और इसको सेटअप करने के बाद मैं आप लोगों के साथ दोबारा से मिलता हूँ। जी हाँ दोस्तों, हमारा फ़ोन यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले की। 6.7 इंचेस का डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले लगाया गया है दोस्तों, जहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको मैक्सिमम 1200 निट्स तक ब्राइटनेस देखने को मिलेगी और डेफिनेटली मुझे यहाँ पर डिस्प्ले इसका बहुत ज़्यादा ब्राइट लग रहा है। इनडोर कंडीशन में है लेकिन यहाँ पर मुझे लाइट कम करनी पड़ रही है। अगर मैं इसका डिस्प्ले फुल ब्राइट कर दूंगा तो कैमरा ठीक से कैप्चर नहीं कर पाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम इसकी स्क्रीन टू बॉडी रेशो की बात करें तो 84.7 रखी गई है। बेजल्स काफ़ी थिन रखे गए हैं और चिन भी काफ़ी छोटी रखी गई है। ओवरऑल डिस्प्ले का एक्सपीरियंस मुझे काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे 1080x2640 पिक्सल्स है, जबकि PPI डेंसिटी 426 रखी गई है। अब दोस्तों इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसकी बैक साइड पे भी आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि इस फ़ोन को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। अब दोस्तों इसमें भी आप काफ़ी सारे फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं, किसकी कॉल आ रही है, किसके मैसेजेस आ रहे हैं, ये सब चीज़ें आप फ़ोन को खोले बगैर ही देख सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे मुझे इसका डिस्प्ले का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़बरदस्त लगा। अब यहाँ पे जो मुझे बैड पॉइंट लगा वो ये है कि अभी भी यहाँ पे कर्व फील हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ से ये फोल्ड होता है वहाँ पे ये कर्व फील हो रहा है और डेफिनेटली सैमसंग को यहाँ पे काम करना चाहिए था। अब ये फ़ोन को चलाते हुए काफ़ी इरीटेटिंग महसूस होता है कि ऐसा लगता है यहाँ से डिस्प्ले अंदर गया हुआ है। ये जो कर्व और ये जो क्रीज नज़र आ रही है ये डेफिनेटली काफ़ी इरीटेटिंग है। अब दोस्तों आगे चल के हम बात कर लेते हैं इसके प्लेटफॉर्म की। तो सैमसंग Z Flip 3 में आउट ऑफ बॉक्स आपको एंड्रॉयड 11 की सपोर्ट मिलेगी, जो कि सैमसंग के अपने One UI के साथ आता है। कुछ इंटरनल स्पेक्स की बात कर ली जाए दोस्तों तो यहाँ पे 8 GB रैम के साथ 128 GB बिल्ट इन स्टोरेज है। याद रहे कि ये स्टोरेज UFS 3.1 पे बेस्ड है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे अगर हम इसके चिपसेट की बात कर लें तो यहाँ पे आपको Qualcomm Snapdragon 888 का चिपसेट देखने को मिलता है जो कि 5 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस्ड है और यहाँ पे Adreno 660 का GPU लगाया गया। अब ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे चिपसेट तो काफ़ी तगड़ा लगाया गया, लेकिन यहाँ पर रैम ने मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़ कर दिया क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 8 GB रैम रखी गई है। 1.25 लाख रुपये की प्राइस रेंज के फ़ोन में सिर्फ आपको 8 GB रैम देखने को मिल रही है, तो ये थोड़ा सा डाउन साइड मुझे लगता है। आपका क्या कहना है इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आगे चलकर दोस्तों बात कर ली जाए अगर इसके मेन फीचर इसके कैमरास की, तो गैलेक्सी Z Flip 3 में बैक साइड पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जहाँ पे मेन सेंसर 12 मेगापिक्सल्स का है और अल्ट्रा वाइड सेंसर भी 12 मेगापिक्सल्स का है। अब दोस्तों यहाँ पे फ्रंट साइड की अगर हम बात कर लें तो फ्रंट साइड पे आपको 10 मेगापिक्सल्स का सेल्फी शूटर देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे 2.25 लाख रुपये में आपको 12 मेगापिक्सल्स के कैमरास देखने को मिल रहे हैं। इवन तो यहाँ पर टेलीफोटो वाला भी लेंस मौजूद नहीं है, मिसिंग है, तो ये भी चीज़ मुझे काफ़ी बुरी लग रही है कि यहाँ पर टेलीफोटो वाला लेंस मौजूद नहीं है। 2.25 लाख रुपये खर्च के हमें 12 मेगापिक्सल के 2 सेंसर पकड़ा दिए जाते हैं, तो डेफिनेटली आपका क्या कहना है इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों खोल के देख लेते हैं इसके कैमरा को और देखते हैं कि भाई किस तरह का रिजल्ट है, क्या क्या मॉड्स हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आपको सिंगल टेक का मॉड देखने को मिलेगा, नेक्स्ट आपको पोर्ट्रेट मॉड देखने को मिलेगा जिसमें हमेशा की तरह हम कोशिश करेंगे अपनी खूबसूरत सी सेल्फी लेने की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हमने अपनी एक सेल्फ़ी ले ली है और रिज़ल्ट की बात करें तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे मुझे रिज़ल्ट कुछ खासा पसंद नहीं आया प्राइस रेंज के हिसाब से। दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ पिक्सल्स फटते नज़र आने लग जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप पिक्चर को थोड़ा जूम करेंगे तो यहाँ पे आपको पिक्सल्स कुछ फटते नज़र आएंगे, लेकिन ओवरऑल बैकग्राउंड को काफ़ी अच्छे से बुके किया है और यहाँ पे एज डिटेक्शन काफ़ी ज़बरदस्त की है। अब दोस्तों यहाँ पर आगे चल के बैक कैमरा की अगर बात कर लें तो बैक कैमरा में आपको 2 सेंसर देखने को मिलते हैं 12 मेगापिक्सल्स की। वीडियो रिकॉर्डिंग्स की यहाँ पे बात की जाए तो दोस्तों वीडियो रिकॉर्डिंग्स आप यहाँ पे 4K 60 FPS पे मैक्सिमम शूट कर सकते हैं फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से। ये काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है कि यहाँ पे आपको 60 FPS की भी सपोर्ट देखने को मिल रही है, लेकिन इसको टेस्ट आउट करेंगे भाई इसके कैमरा रिव्यू में कि इसका कैमरा कितना एक काबिल है। अभी तक मुझे इसका कैमरा कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा प्राइस रेंज के हिसाब से। मोर में जाएँ तो दोस्तों यहाँ पर भी इसके काफ़ी सारे फीचर्स हैं जिसमें आपको प्रो मोड देखने को मिलता है, पैनोरामा मिलता है, फूड मोड, नाइट मोड, पोर्ट्रेट वीडियो, प्रो वीडियो जिसमें आप मैनुअली सेटिंग करके काफ़ी ज़बरदस्त वीडियोस को शूट कर सकते हैं, सुपर स्लो मो देखने को मिल रहा है, स्लो मोशन, हाइपरलैप्स और डायरेक्टर व्यू। अब दोस्तों ये डायरेक्टर व्यू एक ऐसा व्यू है जिसमें एक ही वक्त में आप फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरास को यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एंड पे इसकी अगर हम बैटरी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आपको सिर्फ 3300 mAh यानी कि 3300 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। और दोस्तों यहाँ पे अगर हम इसकी चार्जिंग सपोर्ट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आपको सिर्फ 15 वाट की चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल रही है। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग चीज़ है कि 2.25 लाख रुपया खर्चने के बाद हमें सिर्फ 3300 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जहाँ पे आपको चार्जिंग स्पीड भी सिर्फ 15 वाट की देखने को मिल रही है। भाई अब 30,000 वाट डिवाइसेस भी आपको 33 वाट की चार्जिंग सपोर्ट दे रही हैं, साथ ही साथ आपको बड़ी बैटरी दे रही हैं, लेकिन यहाँ पे इस डिवाइस में आपको सिर्फ 3300 mAh की बैटरी मिल रही है और 15 वाट की चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पर चार्जिंग काफ़ी ज़्यादा स्लो होने वाली है। अब अगर आप इस फ़ोन को गेम्स के लिए कंसीडर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको बैटरी भी तंग करेगी और चार्जिंग स्पीड भी तंग करेगी। साथ ही साथ दोस्तों इसका ये कर्व और इसकी क्रीज स्क्रीन में जो है ये भी आपको तंग करने वाली है। तो ओवरऑल अगर यहाँ पे मैं अपनी बात करूँ तो यार 2.25 लाख रुपए में ये मेकअप किट लेडीज़ के लिए काफ़ी अच्छी है, लेकिन अगर आप इसको एक प्रो यूज़र या प्रो प्लेयर की तरह गेम्स के लिए लेना चाहते हैं या अच्छे कैमरास के लिए लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये डिवाइस मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। अब दोस्तों इसके बारे में आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।